अस्सलाम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत और कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का बहुत प्यारा अमल है या अली मदद, अमलियात का एक बहुत बड़ा अमल, बहुत ख़ास अमल। इस अमल को आप हाथ के नाखून पर, हाथ की हथेली पर, अंडे पर, शीशे पर हाजिर कर सकते हैं। ये या अली के मौकिल हैं, जो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि किसी से जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, चाहत हो, तो हम उसको पुकारते हैं, ठीक है। तो जो जिन्नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक पढ़ते और अच्छी बातें सीखते, और उसके उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली को ये मौका मिला, तो उनके ताबे मौकिल के बारे में बात की जा रही है। अंडे पर जो ख़ास तरीका है उसका ये तरीका है, लेकिन उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस की तरफ चलते हैं। तस्वीर जो मैंने वीडियो की दिखाई है आपको, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, आपको समझ भी आएगी। लेकिन आपको पता है, सबसे पहले आसर वसलम का नाम लेना, अल्लाह को याद करना और एक अहदीस को सुनना, तो मेरी एक कसम है कि मैं आसर वसलम की अहदीसें आप तक पहुँचाऊँ। आपकी कसम है कि आप ये अहदीसें लोगों तक पहुँचाएँ और अमलियात, ताकि लोग गलत चीज़ें इस्तेमाल ना करें, इख्तियार ना करें। आसर वसलम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ तकदीर से जुड़ी हुई है, यहाँ तक के आजिज होना, होशियार होना, ये भी तकदीर से ही जुड़ा हुआ है। ये जो अहदीस है मुस्लिम शरीफ की है। एक बात याद रखें कि हम कभी ये ना सोचें कि ऐसा करते ऐसा हो जाता, ऐसा करते ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं है। हर चीज़ तकदीर पर जुड़ी है। अब दुआ जो है वो एक्स्ट्रा है, दुआओं से तकदीर को मोड़ा भी जा सकता है, अल्लाह पाक से दुआ की जा सकती है। जिसने तकदीर बनाई है वही जो है, हम उन्हीं से दुआ करें, यानी अल्लाह पाक से, तो तकदीर भी ठीक हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हर चीज़ तकदीर पर डन है, ये बात याद रखें। और तकदीर मुकद्दर अल्लाह पाक ने बनाए हैं, दुआ सिर्फ अल्लाह पाक से है, खुद कोई जज्बात में आके कुछ भी नहीं कर सकता। अब परी मौकिल को हाजिर करने का जो मैंने पूरी कोशिश की है इसको अंडे की शेप देने की, तो मैंने ये एक अंडा लिया है, समझें, ठीक है। अंडे के ऊपर अंदर जो सफ़ेद होता है ना, बिल्कुल अंडे के ऊपर सफ़ेद रंग होता है, तो फिर उसके ऊपर एक काले रंग का गोल दायरा बना लें, काजल का दायरा बनाना है। बेशक आप दायरा मार्कर से लगा लें, लेकिन जो काजल का दायरा है वो बिल्कुल गोल होना चाहिए और अंदर काजल भरा होना चाहिए। अंडा हमेशा नोक टाइप का होता है, ये नोकदार होता है, तो जब यहाँ पर उनके जो जहाँ पर अंडे का ज़्यादा गुलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर दायरा बनाना है, नोक वाले हिस्से की तरफ या अली लिखना है। 786 अलीफ बा वाओ या जीम नून काफ हा, ये आपने लिखना है। बिल्कुल ऐसे नक्श बनाना है, गलत नहीं, आपने ख़राब नहीं करना, ठीक है। जब हम अंडा लेंगे ना, तो आप उसके जो साइडें हैं उनके ऊपर ये चीज़ें भी लिखेंगे, ठीक है। अब ये अंडे के ऊपर हाजिरी करने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अंडे पर परी की हाजिरी कैसे की जाती है? अब जब आपने अंडे पर परी की हाजिरी करनी है ना, तो 7 दिन इस अमल को करना है। इतवार, 9 चंदी इतवार का दिन हो, 3 बार दुरूशी पढ़ना है, नमाज की पाबंदी करना है, 41 बार अल्लाह के इस कलाम को पढ़ना है। इस दुआ को कैसे हम पढ़ेंगे, गौर से सुन लें। इतवार, 9 चंदी इतवार, ठीक है, ये 9 चंदी इतवार को ही शुरू होगा, यानी चांद के दिनों की पहली जो इतवार आएगी वो 9 चंदी इतवार आएगी, ठीक है। अब हमने पढ़ना क्या है, 41 बार जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, पहले 3 मरतबा दुरूशी पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूल अल्लाह, या अली मदद, या अली हाजिर शु, हाजिर शु, ठीक है,
हर कोई अक्सर लोग जो होते हैं ना हाजिर शो लिख देते हैं, शो नहीं शू लिखना है, ठीक है, पढ़ना भी शू ही है। इसको जब भी किसी कागज पे उतारेंगे तो पेश जरूर डालिएगा, तो गलती करेंगे आप, फिर हाजिरी नहीं होगी, याद रखिएगा। अमल 7 दिन आपने करना है, वक्त इशा की नमाज का आपने लेना है या तहज्जुद का लेना है, ठीक है। अंडे के ऊपर जैसे मैंने आपको नक्श बताया है इस तरह बना ले, इस जगह पर हाजिरी होगी, गौर से देखें, इस जगह पर हाजिरी होगी, किसकी हाजिरी होगी, परी या अली के मोकिल, परी की हाजिरी यहाँ पर होगी, ठीक है। हम जब ये मोकिल हाजिर होते हैं ना या अली के, तो जब हम उनको कहते हैं ना कि आप हमें कोई परी ताबे करवा दें, तो फिर वो परी की हाजिरी इस अंडे के ऊपर देते हैं, ठीक है। अब आपने ये वाला सारा अमल आपने परी मोकिल के लिए 7 दिन करना है, 7 दिन में अगर परी हाजिर नहीं होती तो 11 दिन करें, 11 दिन में पूरी इसकी ज़ुकात अदा करें। अब ज़ुकात में कुछ चीज़ों की भी आप गौर से तनबीह सुन लें, यानी परहेज गोश्त का, किसी भी किस्म का, मछली का, मुर्गी का, गाय का, बकरी का, किसी भी किस्म का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना, गोश्त से बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, यहाँ तक के गोश्त का शोरबा भी इस्तेमाल, ग्रेवी भी इस्तेमाल नहीं करनी। अंडा, ये जो अमल है ये आपके घर के रिज़्क के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, ठीक है। अब ये अमल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक अमल हो गया मोकिल और परी को हाजिर करने का, ठीक है। अब परी से नजायज़ बात नहीं कर सकते, गलत बात नहीं कर सकते, परी से सिर्फ और सिर्फ आप मदद ले सकते हैं, दुआ करवा सकते हैं, आपके घर में किस चीज़ की कमी है, रिस्क, दौलत, पैसा, गाड़ी, इन चीज़ों की कमी है तो दुआ कर सकते हैं, और अगर आपके घर में बंदिश है, जादू है, सफली लम है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। एक सादा अंडा लेंगे, ठीक है, एक सादा अंडा लेकर यही लफ्ज़ 3 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलल्लाह, या अली मदद, या अली हाजिर शु, अंडा लेंगे 3 मरतबा इसके ऊपर, अंडे के ऊपर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद 3 दिन अपने घर में इसी अंडे को रखेंगे। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि जादू ख़त्म हो जाए आपके घर से और बंदिश ख़त्म हो जाए कारोबार की, रिस्क की, पैसे की, या आप फर्ज करें आपने कोई घर लेना है, घर लेने लगे हैं तो घर में ऐसा रुकावट आ रही है कि घर नहीं ले पा रहे, या कोई रेंट पे घर लेना है, ऐसा वक्त आया कि आप मतलब कि रेंट पे भी घर नहीं ले पा रहे, आप दुआ करें, ये अपने घर का अमल है, ठीक है, अपने घर का अमल है। अगर आपके घर में रिस्क नहीं है, फाका कशी है, ठीक है ना, तो ये अंडा आपने लेना है चुराहे पे जाकर, गली के चारों, देखिए 4 गलियों को लेके ना, उसका जो सेंटर होता है ना उसको कहते हैं चुराहा, ठीक है, चुराहा, या फिर दरख्त के नीचे, किसी भी फलदार दरख्त के नीचे इसको जब आप 3 दिन अपने घर में अंडे को ये वाला दम करके रखेंगे, तो फिर जब तोड़ेंगे तो दरख्त के नीचे तोड़ें या चुराहा पर तोड़ें, ठीक है, दरख्त पर तोड़ें या फिर चुराहा पर तोड़ें। अब दूसरी बात सुन लें, अगर आपके घर में दौलत नहीं है, रिस्क नहीं है, फाके कशी है, ये जादू की कार्ड अंडे ने कर दी, चावलों का सदका दें, ठीक है, चावलों का सदका, एक मुट्ठी भर चावल लें, मुट्ठी भर चावल लेने के बाद आपने चीनी, याद रखें चीनी, जब मतलब कि मुट्ठी भर आपने चावल ले लिए, उसको चीनी का डब्बा आपके घर में मौजूद होगा, चीनी की तह जो उनसी होती है ना उसके नीचे पहले चावल रखें, उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल दें, 7 दिन अपने घर में उस चीनी और चावल को रखें, रखने के बाद उन चावलों को किसी या तो गरीब को दे दें या हशरात को डाल दें या परिंदों को डाल दें, ठीक है। वैसे कोशिश करें कि चूटियाँ होती हैं ना घर में, तो वो आपकी चीनी और चावल लेके जाएं। अच्छा, चावल ना पूरे चावल भी आते हैं और कुछ चावल ना टूटे हुए भी आते हैं, छोटे छोटे, या फिर आप थोड़ा सा चावलों को ग्राइंड भी कर सकते हैं तो वो टूट के पीस हो जाएंगे, थोड़े जो चूटियाँ आराम से ले जाएंगी। अगर आपके घर में चूटियाँ हैं तो, अगर परिंदों को देना है तो परिंदों को खिलाने के लिए चीनी और चावल इकट्ठा करके 7 दिन डब्बे में डाल के रख दें और डब्बे को बंद कर दें, और याद रखें कभी भी उस डब्बे पर किसी की नजर ना जाए, 7 दिन के बाद जिसकी मर्जी नजर जाए, लेकिन 7 दिन तक जो भी औरत या भाई घर में ये अमल करेंगे तो 7 दिन उसके घर में डब्बे पर किसी की नजर ना जाए, और वो डब्बा जो है 7 दिन बाद खोल के इस तरह ये अमल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दौलत गैब से आना शुरू होगी,
गैब से आना शुरू होगी। अगर आप परी मोक्किल का ये अमल करते हैं तो फिर दौलत भी देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आती है, रिस्क कितना आता है, बेहिसाब रिस्क आता है। जब भी परी मोक्किल का अमल करते हैं ना, नोट आपको मैं बता रही हूँ कि जब भी परी मोक्किल का अमल करते हैं, जब भी पाक बाबरकत अमल करते हैं, चावलों का अमल करते हैं, अंडे का अमल करते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं अल्लाह के नाम की, तो पास एक दफ़ा एक अगरबत्ती ज़रूर सुलगाया करें। अगरबत्ती अगर नहीं सुलगा सकते तो खुशबू ज़रूर लगाएं। जादू के लिए भी जब काट करते हैं तब भी आप अगरबत्ती नहीं तो खुशबू ज़रूर लगाएं। अमल करते वक्त खुशबू का होना बहुत ज़रूरी है। फरिश्ते हाजिर होते हैं और वो मदद करते हैं और वो सुनते हैं आपकी पुकार को, जैसे परी मोक्किल सुनते हैं, सिर्फ फरिश्ते भी आपकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे अमलियात आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बेहिसाब इस तरह की प्यारी वीडियो जो सी है आपको मिलती रहे। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम जाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना जाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।